हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्वाद कढ़ाई का। में आज हम बना रहे हैं कुरकुरी करारी अनारसे की गोलियाँ। तो चलिए, ये बहुत ही स्वीट लगती हैं, इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोई भी बर्तन ले लेंगे और उस बर्तन के अकॉर्डिंग, जैसे हमने कटोरी ली है तो 2 कटोरी मैदा लेंगे हम। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मेजर कप हो जिससे आप नापें। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। अगर देसी घी नहीं है तो आप इस रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। पानी से पहले घी और जिस भी चीज़ का आप डो बना रहे हो उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ रेसिपी बनाना सिखाती हूँ। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आप हर रेसिपी ट्राई करें और आपको बनाने में किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि मैं कोई भी रेसिपी डालती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आपको पता रहे, आप मेरे साथ जुड़े रहें। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो हमने उसमें 1 कटोरी बूरा डाली है और उसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब ये हमने 2 बड़े चम्मच सेसमे डाले हैं। तो अगर आपके पास सीड नहीं है, यानी कि हमने सफ़ेद वाले तिल डाले हैं। और अब हम इस आटे को पानी से नहीं गूंदेंगे, हम इसको दूध से गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा मिक्स करते रहें। कई बार होता है कि दूध से थोड़ी एलर्जी होती है। एक बार हुआ था कि मैंने बनाई थी अनारसे की गोली, लेकिन एक बच्चा नहीं खा पाया था क्योंकि उसको दूध से एलर्जी थी। तो अगर ऐसी कोई बात है तो आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए, हमारा डो तैयार हो चुका है। इसको हम ढक के रख देंगे। कम से कम 15-20 मिनट के लिए हम इसको ढक के रख देंगे। और अब हम दोबारा इसको डो को मसल के तैयार करेंगे। अब इसमें आप जितने जो साइज़ देना है आप उस हिसाब से साइज़ दीजिए और साथ ही गोलियों को ये वाइट वाले तिल हैं उसमें डीप कीजिए और घुमा के ये देखिए, ये हमारी अनारसे की गोली कच्ची तैयार हो गई है। तो पहले हम सारे पीस बना लेंगे, फ्राई हम बाद में करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो या आपको बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोशिश करें कि सभी का साइज़ एक ही उसका रखें, क्योंकि जब कोई चीज़ आँखों से सुंदर लगती है तो वो खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगती है। हम एक ही साइज़ की बनाते चले जाएंगे। इसी के साथ आप कढ़ाई में तेल रख दें, ताकि जितनी देर में आप ये गोलियां बना के हटेंगे तेल गर्म हो जाए। और ये देखिए, हमने मंदी आंच पर ये गोलियां तलने के लिए डाल दी हैं। इनको बहुत हल्के हाथ से चलाएं।
बहुत हल्के हाथ से घुमाते रहें, जो इसमें ये क्रश आते हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे उसकी वजह से ये अंदर तक एकदम क्रिस्पी बन जाती हैं। और मंदी आंच पर इसको धीरे धीरे चलाते रहें और इसको ऐसे ही तलने दें। आप नोट कर रहे होंगे मैं बड़ी धीरे धीरे से इसको चलाए जा रही हूँ, जिसकी वजह से ये एक तरफ नहीं तल रही हैं। इसका टेस्ट तो आपको जब भी पता चलेगा जब आप इसे खाएंगे। तो आप ट्राई ज़रूर करें, जो भी मेरी रेसिपी होती है आप उसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, ट्राई करेंगे जब भी उसका टेस्ट का पता चलेगा। ये मैं इतनी देर तक आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अगर स्लो उसमें ये अगर ऐसी तरीके से तलते रहेंगे तो ये अंदर तक से क्रिस्पी होती जाएंगी। अगर इसको जल्दी से निकाल लिया तो ये ऊपर ऊपर से करारी नज़र आएंगी आपके और अंदर से आपको कच्ची कच्ची नज़र आएंगी। ये देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है इसका। और ये हमारी अनारसे की गोली तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स इसको बनाएं, खाएं, खिलाएं और अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और ट्राई करके मुझे बताएं कि आपकी अनारसे की गोली कैसी बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।